बाय कर दो सबको, बाय। फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस। सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना दिन भर का रूटीन। मैं नहा धो ली हूँ और अब मैं पूजा कर रही हूँ। तो फ्रेंड, दिन भर का रूटीन जो है वो मैंने काफ़ी डीप में कोशिश की है कवर करने के लिए, बट 12 मिनट की वीडियो में इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 24 घंटे को कवर करो। जो भी कुछ पॉसिबल हुआ मैं दिखा सकती हूँ कि मेरा डेली का शेड्यूल कितना बिजी है। बन रहा है कोफ्ता और ये मैं लौकी का बना रही हूँ। कुछ बॉल्स मैंने निकाल के रख लिए और कुछ अभी स्टिल बाकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, कोफ्ता को अब उबाल आना बाकी है और लंच में यही बन रहा है। कोफ्ता बन रहा है, चावल और रोटी। ब्रेकफास्ट में मैं देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने चावल रख दिया है पकने के लिए और आटा मैंने लगा दिया है ताकि रोटी बना सकूं। अब मैं जा रही हूँ मशीन लगाने ताकि मैं बीच बीच में मशीन वाला काम भी करती रहूं। तो फ्रेंड्स, मैं मशीन लगा दे रही हूँ। इससे एक बेनिफिट रहता है कि सुबह अगर लग जाती है मशीन तो बीच बीच में आपको जैसे जैसे टाइम मिलता है आप उसको में कपड़े निकालते रहते हो और गंदे कपड़े डालते रहते हो। एक्चुअली सुनील का जाने का टाइम है 9:30। अगर मैं उसके बाद सोचूं तो फिर मेरा बहुत लेट हो जाता है काम, 12:30-1 बज जाता है। और मेरा ये टारगेट रहता है कि मैं किसी भी तरीके से 11:30-12 तक काम निपटा लूं ताकि फिर मैं लंच का टाइम हो जाता है थोड़ी देर बाद और सौर को कुछ मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए देखने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो मैं अब पुराने कपड़े भी डाल दे रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं ब्रेकफास्ट में आज कर रही हूँ ओट्स मिल्क और बनाना। क्योंकि अगर मैं रोटी और चावल दोनों ही टिफिन में अगर सुनील को देती हूँ तो उसको थोड़ा सा हैवी सा फील होता है, तो इसलिए मैं हल्का, बहुत हल्का रख रही हूँ। और सच कहूँ तो मुझे शूट भी करना था, इस वजह से भी मैंने आज मॉर्निंग का नाश्ता हल्का रखा है, क्योंकि मुझे दिन भर की शूट करना है, अपना रूटीन दिखाना है, तो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। और सच मानिए ये डेली का ही रहता है, अगर मैं ना भी शूट करूँ तो भी बहुत भाग भाग के काम होता है सुबह के टाइम में। और ये देखिए अभी मुझे ओवराइज करने में समर्थ परेशान कर रहा है, आपको आवाज़ें आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, रोटी भी मैं मॉर्निंग में ही 7 की बना लेती हूँ ताकि अपने लोगों की, ताकि फिर मुझे दोबारा ये गैस का काम ना करना पड़े। रीज़न उसके पीछे यही रहता है कि टाइम नहीं मिल पाता है, बच्चे अपना जब उनकी जिद शुरू हो जाती है तो फिर उसके आगे कुछ भी नहीं दिखता है मुझे। सो फ्रेंड्स, सुनील को मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है, ओट्स मिल्क और बनाना जो मैंने बताया था मैं वही दे के आई हूँ। जब तक वो ब्रेकफास्ट कर रहा है मैंने सोचा कि मॉर्निंग का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट करने को नहीं होता है, मैंने सोचा कि मैं अपने जो कपड़े हो गए हैं उनको मैं डाल देती हूँ एंड देन मैं लंच पैक करूँगी। मैंने सोचा था कि मैं फुली ऑटोमेटिक मशीन ले लूं ताकि मेरा काम आसान हो जाए, बट मैं नहीं ले पाती हूं बिकॉज इस मशीन को मुझे देने का नहीं मन करता है, क्योंकि अगर एक आप मशीन लाओगे तो जगह ऑक्यूपाई करेगा, आपको ये देना पड़ेगा। और ये मशीन जो है, जो करंट में मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मेरे भाई ने मुझे जब वो शादी के बाद मुझसे मिलने आया था फर्स्ट टाइम मेरी शादी के बाद, तो मुझे गिफ्ट किया था। लंच बॉक्स रेडी हो गया, ये राइस है, ये रोटी है और ये मैंने कोफ्ते बनाए हैं। कोफ्ते बहुत टेस्टी हैं, मैंने तो नहीं टेस्ट किया लेकिन महक बता रहा है कि बहुत टेस्टी है। लंच बॉक्स इज रेडी फ्रेंड। भाग भाग के बनाया है आज। तो फ्रेंड्स, सुनील ऑफिस गए और आपने देखा ही होगा मैं कितना परेशान हो गई थी भाग भाग के मॉर्निंग में। मैं ही क्या, सारी लेडीज़ का यही हाल रहता है मॉर्निंग में, एंड बाद में कहा जाता है क्या काम करते हो तब बड़ी गुस्सा आती है। एनीवेज छोड़िए, ये तो सब घर का काम है। अभी मेरा 3 दिन हो गया था इस चादर को लगे हुए। झाड़ती तो एक बार मैं डेली हूँ, चादर को क्लीन करती हूँ, बट 3 दिन हो गए थे तो मुझे लगा चादर चेंज कर देनी चाहिए, तो मैंने चादर चेंज कर ली है। वैसे सच कहूँ मैं तो इतना अंदर टग नहीं करती हूँ बेड के अंदर, क्योंकि बच्चे मेरे उछल कूद करते हैं, वो बार बार निकल जाता है, बट अभी मैंने कहा लाओ आज दिखाई देती हूँ, थोड़ा सा देखने में लुक सही आएगा। अभी मैं इस वाले बेडरूम का चादर चेंज कर रही हूँ, मतलब साफ कर रही हूँ। अभी मेड आ जाएगी तो उसको बर्तन स्टैंड खाली चाहिए, मैंने कहा लाओ बर्तन लगा देती हूँ ताकि जो
बर्तन है उसको साफ करके अंदर रख सकें। ये सब काम जो है फ्रेंड्स, ये किस किस जगह काउंट किया जाए समझ नहीं आता है। छोटे छोटे काम बहुत बहुत टाइम लगते हैं इन सबको करने में बारीकी से। और ये देखिए मुझे कितना परेशान कर रहा था, ये देखने में लगता है मैं ऊपर काम कर रही हूँ पर ये नीचे कहीं मेरे आसपास ही रहता है और मुझे परेशान करता रहता है। तो फ्रेंड्स मैंने सोफ़ा झाड़ दिया है और अब मैं ये कर्टेन लगा रही हूँ। मॉर्निंग में मैं ये कर्टेन ओपन कर देती हूँ ताकि वेंटिलेशन अच्छे से आ जाए, और जब थोड़ा उजाला ज़्यादा आने लगता है 10:30-11 बजे तब मैं इसको कवर कर देती हूँ अगेन। और वैसे तो इस रूम का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है, बट फिर भी एक बार शाम को सौरभ की पढ़ाई हुई रहती है या सुनील अपने ऑफिस का वर्क करते हैं तो थोड़ा यूज़ हुआ रहता है, तो एक बार मैं चादर बस हल्के हाथ से ऐसे घुमा देती हूँ। और इस रूम का जो चादर मैं जनरली वीक में एक बार चेंज करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं इस रूम में तो इसलिए ज़्यादा यूज़ में नहीं होता है। आप देख सकते हैं सौरभ किस तरीके से परेशान कर रहा है मुझे, और आप चादर भी झाड़ते रहो तो वैसे ही कूदना रहता है उसे। और ये देखिए इसको रोज मैं सही करती हूँ बट सबका हाल यही रहता है। फिलहाल आज मैं कुछ भी ठीक करने वाली नहीं हूँ, सॉर के रिविजन्स के पेपर आ गए हैं, यही सब आएंगे क्वेश्चंस। छोटे से बच्चे की जान ले लो, पता नहीं सिलेबस में आजकल क्या क्या डाल देते हैं। 4.5 ईयर के बच्चे के सिलेबस में इतना टफ है कोई हद नहीं है, मुझे टफ तो फिलहाल मुझे तो लग रहा है। और ये समर्थ बैठे हैं, समर्थ इधर देखो क्या कर रहे हो, बात कर लो, फोन पे बात करो, फोन पे बात करो। हेलो, उल्टा फोन थोड़ी पकड़ोगे। हेलो, नहा चुके हैं फ्रेंड्स, जस्ट अभी अभी नहा के निकाला है। और सर अपना हाथ दिखाओ बेटा, और हाथ फैलाओ, ये देख रहे हैं हाथ पे क्या हाल हुआ है, दोनों हाथ दिखाओ दोनों। ये पानी में इतने देर रहने का नतीजा है, हाथ पूरे श्रिंक हो गए इनके, सिकुड़ से गए उसकी स्किन। और ये फिलहाल नहा लिए, इनके नहाने के बाद मुझे पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगता है, जैसा लगता है मैं फिर से नहा ली। हाय, आप भी हाय कर दो, हाय कर दो, नहीं आप हाय करो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो मैं इस समय बज रहे हैं 12:15 और मैं अपना ब्लॉग तो वैसे सुबह शुरू कर चुकी हूँ बट इस समय मैं आपके सामने आई हूँ थोड़ा फ्री होके बात करने, क्योंकि अब मेरा जाके काम ख़त्म हुआ है। और आप लोग कैसे हैं, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। इस समय यहाँ पे बहुत ह्यूमिडिटी है। सो फ्रेंड, मंडे टू फ्राइडे का रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल रहता है, क्योंकि सैटरडे संडे इस समय यूपी में लॉकडाउन कर रखा है तो थोड़ा राहत रहती है कि चलो कुछ भी आगे पीछे काम कर लिया कोई दिक्कत नहीं है। बट बाकी दिन मतलब मंडे टू फ्राइडे सुनील का सुबह का लंच बनाना, ब्रेकफास्ट तैयार करना एंड उसको 9:30 निकलना है, तो उसी बीच इतने काम रहते हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है मैं नहा लूँ और कपड़े वगैरह भी निकल जाएँ अच्छा रहेगा, नहीं तो इसी में। और मैं यकीन नहीं मानेंगे, मैं 7:00 ऑलमोस्ट 6:30-7:00 मैं उठ जाती हूँ, और मैं 12 बजे इस टाइम आप देखेंगे मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ, थोड़ा क्या जिसमें कि अभी 1 घंटे बाद लंच का टाइम हो जाएगा या सौर का समर्थ का सोने का टाइम होगा, सौर को पढ़ाना है, तो 2 बजे तक मेरा काम ऐसे ही चलता रहता है। क्या हुआ, शॉर दे दो ना बेबी को दे दो। तो ये दोनों खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगते हैं। हेलो करो, हेलो, कैसा लग रहा है, बारिश बहुत तेज होगी, बादल का रहे हैं, देखो होती है कि नहीं, आजकल तो रोज बादल बन के छूट जाते हैं। फ्रेंड्स टाइम हो गया 1:30 एवम, और समर्थ भी सोया नहीं है श्योर, टीवी देख रहा है। मैं कब से सोच रही थी कि समर्थ सोएगा तो मैं श्योर को पढ़ाऊंगी, बट उसके सोने के कुछ आसान नज़र नहीं आ रहे हैं। कभी कभी तो वेट करते करते थक जाती हूँ, जाके 4 या 5 बजे सोता है, तो दूध मेरे दोनों ही गर्म होके ठंडे हो गए हैं, अब मैं इनको फ्रिज में डाल देती हूँ। फ्रेंड्स किसके साथ ऐसा फनी इंसिडेंट होता है कि आप बच्चों को सुलाने जाते हो खुश हो जाते हो, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, मैं सोचती हूँ मैं सुलाऊंगी पर सोऊंगी नहीं और उनके साथ सो जाती हूँ और पता चलता है बच्चे भी साथ। फ्रेंड्स एनी गेस मैं क्या कर रही हूँ, बताइए 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 बताइए, कुछ दिख तो नहीं रहे कैमरे में, नहीं बताइए बताइए क्या कर रही हो। सही पहचाना, अपना फेवरेट काम चाय बना रही हूँ, तो शाम बज के 5 बज रहे हैं और शॉर्ट का मैंने दूध गर्म कर दिया है,
समझ मैंने दूध पिला दिया उठते ही। अब मैं चाय बना रही हूँ, मैंने सोचा चाय बनाते बनाते आपके साथ कुछ बातें कर लूँ, गपशप कर लूँ। तो अभी मैं पहले पानी पी लेती हूँ एक गिलास। अपनी चाय बनाते बनाते ना हमें मतलब मैं अपने हाथ से बनाते बनाते मेरी ऐसी हैबिट हो गई है कि मुझे अपने ही हाथ की चाय अच्छी लगती है। कुछ अधेरा सा लग रहा है रूम में, किचन में, तो मैं अपने ही हाथ की मुझे चाय पसंद आती है। मुझे लगता है बैलेंस है उसका हर चीज। और मैं किसी और की हाथ, मुझे ढाबे के अलावा किसी और की हाथ अगर मैं पीती हूँ तो मुझे इतना टेस्ट मजा नहीं आता है। सो अभी मैं चाय बना रही हूँ और चाय पी के फिर मिलती हूँ फ्रेंड। अरे एक बात तो बताना मैं भूल गई, इसलिए दोबारा से कैमरा ऑन किया। अरे बहुत लोगों ने ढोकला रेसिपी मांगी थी तो मैं डेफिनेटली बहुत जल्दी उसको डालने वाली हूँ। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मतलब जिन्होंने जिन्होंने पूछा था ढोकला रेसिपी के लिए, तो मैं बहुत जल्दी डालने वाली हूँ। हाँ, मैं जो ढोकला बनाती हूँ वो प्योर बेसन का बनाती हूँ, बट मैंने जो वीडियो दिखाया था वो दीदी के ढोकले की थी। और उसी टाइम आपने क्वेश्चन वो किया था कि मुझे कमेंट किया था कि ढोकला का रेसिपी बताइए, तो मैं दीदी के ही ढोकले की रेसिपी बताने वाली हूँ, आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो दीदी, तो फाइनली फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैं किचन में आ गई हूँ। 7:30 हो गया बिकॉज अब मेरा लंच डिनर बनाने का टाइम हो गया है। तो सौर को मैं कुछ होमवर्क देके आई हूँ और समर्थ को मैं अपने साथ रखी हूँ क्योंकि वो सौर की किताबें बहुत फाड़ता है। और सौर भी मुझसे बार बार पूछ रहा है कि मम्मी क्या करना है, इंस्ट्रक्शन ले रहा है, तो मैं उसे बता रही हूँ। अभी सुनील आए नहीं है और जैसे ही थोड़ा सा आ जाएंगे तो मेरा काम और भी बहुत तेज़ी से एक्टिव हो जाता है। आप देख सकते हैं सुबह से लेकर शाम तक का समय कैसे बीत जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। 8 बज गए हैं और सुनील घर के अंदर आ गए हैं। अब चलती हूँ मैं, चावल डाल देती हूँ। बाय कर दो सबको, बाय। फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस। सो गुड नाइट एवरीवन, मैं जा रही हूँ और बात करती रहूंगी तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। अभी मुझे चावल बनाना है और दाल मैंने चढ़ा दिया है। जल्दी मैं और काम करती हूँ, मिलते हैं अनदर ब्लॉग। सो किसी और ब्लॉग में।